आज बाल दिवस है, पंडित नेहरू का जन्मदिन। कम से कम कांग्रेसी सरकारों को इसे धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में इस आयोजन के लिए जो रकम दी गई उसे सुनकर पंडित नेहरू शर्मा जाते या अपनी सरकार को ही फटकारते। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। बाल दिवस के दिन भोपाल में बच्चों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजधानी भोपाल से दूर आगर मालवा में बाल दिवस मनाते बच्चे। प्रदेश के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे ऐसे ही तैयार होकर आए। सरकारी फरमान था बच्चों के लिए पेंटिंग, कुर्सी दौड़, मिट्टी के खिलौने बनाने जैसी कई प्रतियोगिताएं कराई जाएं, इनाम भी दिया जाए। इन सब के लिए सरकार ने रखा था 100 रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र का भारी भरकम इंतजाम। सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि 100 रुपए में से 50 रुपए खर्च कर बाल रंग मेला आयोजित किया जाए और बाकी के 50 रुपए दूसरी गतिविधियों के लिए। सत्तारूढ़ दल को इस रकम से एतराज नहीं तो विपक्ष को ये मजाक लग रहा है। 100 रुपए में आप कहते हो कि पूरी आंगनवाड़ी में उत्सव हो जाए, ये कैसे संभव है? हमें लगता है सरकार के मंत्रियों को चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो कम से कम बच्चों के लिए उत्सव के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस मनाए जाते थे, गोद भराई की रस्म की जाती थी, उसमें मात्र 50 रुपए प्रति आंगनवाड़ी दिया जाता था। सवाल 50 या 100 का नहीं है, सवाल यह है कि हमारी नीयत और नीति साफ है, हमने दुगना किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 50 रुपए ही दिए जाते। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार तमाम तरह के दावे करती है, योजनाओं का बखान करती है, लेकिन बात जब बच्चों पर खर्च की हो तो उसका खजाना खुलता नहीं। ऐसे में मौका चाहे बाल दिवस का ही क्यों ना हो। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।